क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है जी। तो मुकेश जी, दिव्या ने जो पढ़ाई करी है तो उसने बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो ऑनलाइन में आपका क्या रोल रहा और आपने कैसे दिव्या को कैसे टीच किया, कैसे गाइड किया? दिव्या ने जो है हमारी संस्थान अन अकेडमी को ज्वाइन किया था, जो इसने जो है 2021 और 22 के अटैम्प्ट में हमने जो इसकी कमियां देखी, तो मेन तो इसकी कमियां थी प्रीलिम्स में, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। हमारी संस्था प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पे काम करती है, लेकिन इस पर पर्सनली मैंने काम किया और इसकी जो एक लेखन कला होती है जिसको हम आंसर राइटिंग कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और आपने सुना भी होगा, बहुत बार इसने बोला भी है, हमारी संस्था की क्लास जो है 1-1.5 घंटे की चलती थी, लेकिन इसके लिए हम रात के 1:30-1:30 बजे तक चलाते थे। 10 बजे की क्लास हमारी 1:30 बजे रात के बंद होती थी, और जब भी आती थी इसकी कॉपी सबसे पहले चेक होती थी, क्योंकि ये मेंस दे रखी थी इसने एक बार, तो हमें भी पूरा श्योर था कि इस बार अगर हम इस पर थोड़ा सा काम कर ले तो ये अच्छा कर देगी। और ये उन लड़कियों में भी थी जिसने क्लास में ओपन चैलेंज करा था सारे बच्चों के सामने। एक दिन मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मैंने कहा इतना पढ़ा रहे, इतना सब कुछ कर रहे, मतलब दिक्कत क्या है, रिविजन नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने कहा ये मटेरियल से आप तो रैंक 1 भी लग सकती है, मैं कहा देखता हूँ कौन बच्चा लगाएगा। तो फिर इसने रेज योर हैंड करा था, हमारी ऑनलाइन क्लास में रेज योर हैंड कर सकते हैं। इसने खुला चैलेंज दिया था कि सर मैं रैंक 1 ला के दिखाऊंगी। अच्छा। उस समय बच्चे हंसे भी थे इसके ऊपर, तो जो नए बच्चे हैं क्योंकि ऑनलाइन में लगातार जुड़ते रहते हैं, हजारों की संख्या में जुड़े रहते हैं, हमें पता नहीं रहता, तो वो जो नए बच्चे तो हंसने लगे थे। फिर मैंने उनको बुलाया, बताया कि ये एक बार मेंस लिख चुकी है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, और इसकी कॉपी जो मैं चेक कर रहा हूँ, जो हमारी संस्था से पहले टॉपर बन चुके हैं उनके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बन चुकी थी। इसने अपना चैलेंज भी पूरा करा, जब सिलेक्शन हुआ तो उसने यही बोला कि सर आपका सपना पूरा हो गया जो मैंने आपसे वादा किया था, और वादा करने के बाद उसे निभाया भी। तो ये उन लड़कियों जो बच्चे उस समय हंस रहे थे, आज वो कह रहे हैं दिव्या दीदी का इंटरव्यू दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, सब ये हमारे साथ थी, ये दीदी हमारे साथ थी, हमारी क्लास में आती थी, कॉपी चेक कराती थी, अब सब जो है मान गए। अब तो वो कह रहे हैं कि दिव्या ने चैलेंज एक्सेप्ट करा सर, अब हम भी करेंगे। इसे देख के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब तो हम भी कर देंगे। बच्चों में मोटिवेशन आया, मोटिवेशन भी आ गया, विश्वास भी आ गया, क्योंकि देखो इस सिविल सर्विस की तैयारी में सिलेबस बहुत बड़ा है, 3 चरणों में एग्जाम है, लेकिन जो बीच वाला चरण है मेंस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जितनी अच्छी आपकी कॉपी है उससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 100 नंबर का मात्र इंटरव्यू होता है, फर्क पड़ता नहीं है, प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते नहीं है, वो एकदम क्वालिफाइंग है। तो सारी बात आती है मेंस में। अब जब मेंस में बच्चा आंसर राइटिंग करता है ना, तो दिक्कत बहुत आती है, कंसंट्रेशन बनाना, एक एक 1.5-1.5 घंटा एक क्वेश्चन को शुरुआत में लिखने में लग जाता है, और उसी को 7 मिनट में लिखना है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चा क्या करता है, इस वे का शॉर्टकट करता है, वो क्या करता है ना, MCQ ज्यादा प्रेफर करने लग जाता है, क्योंकि वो सरलता से उसे समझ में जाता है, और देसी कहावत कहूँ तो वो MCQ का बादशाह बन जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे केवल प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ सकते, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लिया तो मेंस में बाहर हो जाएंगे वो। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नेगेटिव होती है प्रीलिम्स लेवल पे। अच्छा। मेंस लेवल पे तो आपको लिखना है कॉपियों में, तो जो लिखने वाली कला है ना, उसको बच्चे के अंदर बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी वो जो है कर पाते हैं। अब इसका रिजल्ट बन गया तो इसकी कॉपी भी उन्होंने देखी, मैं भी जब चेक करता तो उनको ही पता, तो अब उनको भरोसा आ गया कि जो मैं जितना चिल्लाता था कि आंसर राइटिंग करो करो करो, तो आज वो बच्चे सारे यूट्यूब पे कमेंट लिख रहे हैं सर आंसर राइटिंग अब हम करेंगे, अब हमें पता चल गया कि इसकी कितनी वैल्यू थी। तो इसने बहुतों के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये लड़की इतनी बड़ी क्रांति लाने वाली है ना, इसने वो चीज़ें सारी जो एक तरीके से बदल दी, जो कहते थे ना कि हमें लखनऊ इलाहाबाद दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी, फीस सबकी अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई हम कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, गुरुजन वो भी हैं, गुरुजन हम भी हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से सिलेक्शन हो सकता है। अब वो दिन गए कि केवल ऑफलाइन से ही होगा, ऑनलाइन से नहीं होगा, बच्चे के ऊपर है, अगर बच्चा अच्छा है तो वो ऑफलाइन से भी सिलेक्ट होगा, वो लखनऊ से भी सिलेक्ट होगा, इलाहाबाद से भी सिलेक्ट होगा, और अपने घर में रहकर भी, घर में रहकर भी सिलेक्ट होगा। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, 4G की क्रांति, 5G की क्रांति भारत में आने वाली है, और ये क्रांति सब कुछ बदल देंगी। गाँव के बच्चे को अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, घर पे ही पढ़ाई आएगी उसकी, तो उसने ये क्रांति लाई है। चलिए एक संदेश, और जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फीस के अभाव में या तमाम अपनी परिस्थितियों में वो कहीं जा नहीं पाते,
अगर वो घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उनके लिए एक आपकी तरफ से क्या एक की पॉइंट रहेगा और क्या आप उनको गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए? तो ये आपने सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि फाइनेंशियल और आर्थिक ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भूख अगर पैसा नहीं है तो आदमी खाएगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, तो सारी विचारधाराएं और जितनी भी आइडियोलॉजी है ना, तो वो सब का अंत हो जाता है जहाँ अर्थशास्त्र आता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं एक अपनी संस्था की तरफ से देना भी चाहूँगा और एक मेरा पर्सनल व्यू भी देना चाहूँगा। पहले संस्था की बात मैं करूँ, अनअकैडमी जो बनी थी, ठीक है, इसके जो संस्थापक थे मिस्टर रोमन सैनी, वो भारत के यंगेस्ट IAS ऑफिसर थे और भारत के वो यंगेस्ट जो है एम्स को क्लियर करने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इंसान थे, ठीक है ना। फिर उनके बाद उन्होंने जो है ज्वाइनिंग भी करी थी और MP कैडर था उनका, 2-3 साल वो रहे भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके ये संस्था खोली और उनका मेन मकसद ये था कि एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना, कि जो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये की बात हो रही है वो बहुत ही कम में हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज की तारीख में अगर मैं आज की बात करूँ, 7,000 रुपये में 2 साल की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, 3,500 रुपये 1 साल का पड़ रहा है महीने का, आप देखो। और इसमें हमने ये भी सुविधा कर रखी है कि बच्चा EMI भी बना सकता है, 24 से भाग दे दो आप, मैं बता रहा हूँ, ये हाई स्कूल इंटर छोड़ो, जो नर्सरी KG में बच्चा भी जो आज इंग्लिश मीडियम का ना, वो भी अगर ट्यूशन पढ़ता है तो 800-850 रुपये दे रहा है, और बड़े बड़े शहरों में तो 2,000-2,000 रुपये भी दे रहा है। यहाँ पे हम 400 रुपये पर मंथ में पढ़ा रहे हैं, सोचो, ऐसी भी व्यवस्था है भारत में। ये नहीं कि केवल हम पढ़ा रहे हैं, और भी संस्थाएं हैं जो ऐसा कर रही हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा थोड़ा सा इस चीज़ को देखेगा ना, तो ज़रूर वो हमारी जैसी बहुत सारी संस्थाएं एक्सप्लोर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कराते हैं क्लास, ये तो उसमें 60-40 रहता है, मतलब 40% हमारी फ्री रहती है जो यूट्यूब के माध्यम से और हमारी स्पेशल क्लास के माध्यम से होती है, उसमें तो कोई पैसा ही नहीं देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको प्रॉपर मेंस की तैयारी करनी है, आपको टीचर की पूरी गाइडेंस चाहिए, तो आपको जो है 7,000 रुपये, वो भी 2 साल के, 7,500 समथिंग है, 2 साल का मिल रहा है। फ्री कंटेंट में और पेड कंटेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है? फ्री और पेड कंटेंट में यह बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि फ्री क्लास में हम कोई भी रैंडम टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक उठाते हैं उसे पढ़ाते पूरे ऑनेस्टली ईमानदारी से। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, नए नए जो बच्चे आते हैं, जो देखना चाहें कि कैसा लेवल है टीचर का, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो वो उनके लिए फोकस ज़्यादा हो जाता है, उनकी डिमांड के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। जैसे बच्चा आ गया, अब उसने पढ़ानी है, वो अचानक से बोले कि सर हमें वाला टॉपिक बताइए, तो फिर हमें उसको समझाना पड़ेगा भाई वाला टॉपिक। अगर यही बच्चा जो है पेड वाले में है, तो उसका सिस्टमेटिक, आज ये क्लास है, तो क्रम बना रहता है। तो और जो है फिर बच्चों को टेस्ट सीरीज भी मिलती है, फ्री क्लास में टेस्ट सीरीज नहीं मिलती, मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, वो मिलती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन फ्री क्लास से करने वाले भी बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे भी लाइव हो जाता है, लेकिन थोड़ी प्रोसेस लंबी हो जाती है और टीचर से जो है आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड वे में कर पाएंगे, इतना है। लेकिन स्पेशल क्लास से भी बच्चे निकाल सकते हैं, और आप तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब में भी इतना दम है कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे। और ये जो फ्री क्लास है, ये क्रांति ला रही है भारत में, बस मैं आपको मतलब समझना पड़ेगा कि बिना पैसे खर्च किए भी आप पढ़ाई बिल्कुल, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते और हैं। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, उसमें आप टॉप भी कर सकते, बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। और सारी संस्थाएं, जैसे हमारी संस्था है और भी संस्था जितनी भी ऑनलाइन, हर ऑनलाइन संस्था जो है स्कॉलरशिप टेस्ट कराती है और फ्री में पढ़ाती है। जैसे हम टेस्ट कराते हैं संडे को, उसमें जो टॉप 20 बच्चे होंगे, ठीक है, तो उसमें को जो 1 से लेके 10 तक बच्चे हैं उनकी पूरी फीस माफ़ हो जाती है, 10 से आगे वालों की 75% माफ़ हो जाती है, 20 रैंक से और आगे जाएं तो 50% माफ़ हो जाती है। तो ये भी हम टेस्ट कराते हैं। और बहुत सारे बच्चे, मैं तो इधर था, एक बच्चा जो है क्या कहते हैं ATM होता है ना, HDFC का ATM, वहाँ ड्यूटी करता था, बताओ। अच्छा, तो और उसने जो है स्कॉलरशिप टेस्ट करा, उसकी जो है 4-5 रैंक आई, फ्री में पढ़ाया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप में जज्बा है तो आप स्कॉलरशिप 100% लेके जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पढ़ने वाले के लिए पैसे की कमी नहीं है, नियत आपकी ईमानदार है, ये प्रकृति आपको ऐसे ऐसे लोगों से अपना भी मिला देगी कि आपको पता नहीं होगा। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ दिव्या का ही, शायद इसने बताया हो नहीं बताया हो, दिव्या भी जो हमसे सबसे पहले जुड़ी थी वो 1 रुपये के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ी थी। अच्छा। हमने कहा था कि 1 रुपये में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये 1 रुपये वाला प्रोडक्ट है, लेकिन 1 रुपये वाला था जो इसका, वो उसका 1 साल में लैप्स हो गया। फिर उसके बाद इसने प्लस का प्रॉपर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, जब इसको लगा कि हाँ इनमें दम है तब।
लेकिन हमने इसकी एंट्री 1 रुपए में ही करी है। उसके बाद इसने 7,000 समथिंग फीस जमा करके फिर प्रॉपर उसने 2 साल पढ़ा है। ट्रायल वर्जन इसने भी 1 रुपए में पढ़ा है। तो ऐसा भी है कि आप 1 रुपए में भी पढ़ सकते हो जी। हाँ, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया।